प्लान चौपट कर दिया। ये मिश्री परेशान करके रख दिया, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मेरा बैग, मेरा बैग वहां कैसे पहुंचा? हाय मम्मी, हमने किसी को इतना गिरते, हमारे मतलब इतनी बार गिरते पहली बार देखा है। उच्चा उच्चा, मेरा बैग वहां कैसे पहुंचा? लगता है किसी ने वाकई में तेरी खटिया खड़ी करने का मन बना लिया है। यू इडियट, अब मैं कहाँ सोऊंगी? तुझे सोना है? अच्छा, अबे सुला। क्या कर रही है? धक्का मत दे। हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रही है मिश्री? इलाज कर रहे हैं हम तेरा। तुझे पता है तुझे ना जिद की बीमारी लगी है और डॉक्टर के हिसाब से इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जिद करने वाले को इतना थका दो कि वो जिद करना ही भूल जाए। मिश्री, मेरा हाथ छोड़। उम्मीद है कि तू इतना थकेगी कि तेरी ये बीमारी भी सुधर जाएगी और तू भी। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें मत बुलाना, क्योंकि हम तो अर्जुन के साथ होंगे। टेक केयर। मासी, मासी, नहीं छोड़ूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? देखो तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। जो कहेंगे वो करेगी तू? तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। पक्का? हाँ, करूंगी, सब कुछ करूंगी। इस घर से चली जाएगी? हाँ, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं अर्जुन से भी दूर चली जाऊंगी। पक्का? प्लीज प्रॉमिस, मुझे छोड़ दे। सामान उठा और मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। सुहागन के सब्र का बांध उसके मंगलसूत्र के धागे से जुड़ा हुआ होता है। धागा टूटा तो बांध भी टूट जाता है और फिर गुस्से का ऐसा बाढ़ आता है जो सब कुछ दबा कर देता है।
तू अगर हमारे गले पर चाकू रखती तो मिश्री माइंड नहीं करती प्रिया, पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मंगलसूत्र तक पहुंच गई। इस बेवकूफी की सजा तो हम तुझे जरूर देंगे। मिश्री ऐसा मत कर, बहुत पछताएगी, देख लेना। मासी बबलू अंकल, ससुराल में दामाद का इतना बुरा हाल पहली बार हुआ है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो। हमको छोड़ो। अरे अनु, ए अनु, जा रही है, जा जा जा। अच्छा सुन, घर पहुंच के फोन करने की कौनो आवश्यकता नहीं है, और इधर तक देखने की तो बिल्कुल ही नहीं जरूरत है। बड़ी नानी, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। नानी को पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। भाई हम तो इतना जानते हैं कि तू इस घर से जा रही है, ये सबसे अच्छा हो रहा है। बौरिया जा, एक और इज्जत के साथ पहुंचा गया। तुझे इतने मौके दिए प्रिया, पर तू नहीं सुधरी। अब मौके भी खत्म, हमारा सब्र भी। तू हार गई प्रिया, अब अपना सामान और बची कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट उठा और निकल जा हमारे घर से। कभी नहीं जीत सकती मिश्री, कभी नहीं। हेलो नानी, बहुरिया आज जो उन काम तू की है ना, हमारी उम्र 10 बरस बढ़ गई हो। बढ़ नहीं गई है, घट गई है। देख लेना, अम्मा आएंगी ना तो एक को ना छोड़ेंगी। ड्रैगन अम्मा, ये ढोल बजाने का टाइम नहीं है, डर से कांपने का टाइम है। अरे दबाव के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे डरे वो जो उन गलत काम किया हो, हम लोग एकदम सही काम किए हैं। हाँ नहीं, आपने गलती की है बड़ी दादी। अनु इस घर को छोड़कर चली गई है। लाइए भाई। पर हम तो, अनु इस घर से चली गई है और आप लोगों ने मुझे सेलिब्रेशन के लिए भी नहीं बुलाया। अनु इस घर से चली गई है लिटिल ब्रदर, सेलिब्रेशन तो कीजिए। पार्टी तो बनती है।
ये क्या नौटंकी हो रही है? संस्कार ताक पे रख दिया, वकालत से मन भर गया। जाट वो हम सब उतार इसे। लेकिन अपना सामान और बची कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट उठा और निकल जा हमारे घर से। घर के लोगों को चुप हो जाते हुए देखा था, पर जश्न मनाते हुए पहली बार देख रहे हैं। अनु तो गलत है, लेकिन आप सबको उसके जैसे बनने की क्या जरूरत है? जवाब दीजिए मौसे, आपकी बहू कुछ पूछ रही है। जवाब तू दे। अनु इस घर में ऊट पटांग हरकतें कर रही थी, जानते थे ना? पूर्णी की आड़ लेकर घर का माहौल खराब कर रही थी, ये भी जानते थे। और तुम दोनों ये अच्छे से जानते हो कि जो काम हम किए हैं वो सही किए हैं और दोनों बच्चों के फायदे के लिए किए हैं। इस फायदे का कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आपको माँ के आने के बाद ही पता चलेगा। माँ से इस बार माँ अकेली नहीं लौटेंगे, तूफान साथ होगा।
अब तो पानी सर से ऊपर ही चला गया है। उस मिश्री ने हमारी अनु को घर से निकाल दिया। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। विद्या की तस्वीर, राकेश गाड़ी रोको। लड़की यहाँ क्या कर रही है? विद्या की तस्वीर, राकेश गाड़ी रोको। यस, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली है इस बुढ़िया ने। अनु, अनाथ को करना चाहिए। अनाथ तो तेरे दुश्मन, तेरे पास तो भरा पूरा परिवार है बेटा। कौन सा परिवार डानी? वो तो मिश्री का परिवार है। उन्हीं सब लोगों ने मुझे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला और किसी ने मुंह तक नहीं खोला। मेरी किसी ने नहीं सुनी नानी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तुमने उसका साथ दिया नानी। हम एक एक को देख लेंगे।
हमारे साथ चल अनु। ठीक है नारी, आप कहती है तो चलती। चल बेटा। चल हमारे साथ। अगर मिश्री पर कोई भी उंगली उठाएगा तो अर्जुन आवाज नीची नहीं रख पाएगा। हमें तुझे अपना पोता कहने में शर्म आती है। काश आप देख पाती दादी कि मेरा मिश्री को सपोर्ट करना आपकी हार नहीं है बल्कि आपकी परवरिश की जीत है। हार और जीत का फैसला तब होता है जब लड़ाई खत्म हो जाती है। अर्जुन दादी आवाज नीची। अगर मिश्री पर कोई भी उंगली उठाएगा तो अर्जुन आवाज नीची नहीं रख पाएगा। हमें तुझे अपना पोता कहने में शर्म आती है। काश आप देख पाती दादी कि मेरा मिश्री को सपोर्ट करना आपकी हार नहीं है बल्कि आपकी परवरिश की जीत है। हार और जीत का फैसला तब होता है जब लड़ाई खत्म हो जाती है। अर्जुन